जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को इंदौर में मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हुकुमचंद मिल के करीब 4800 श्रमिकों को बकाया राशि मिलेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, श्रमिकों को वो संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सीएम ने शनिवार को मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। सरकार विकास के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरा प्रयास है कि उज्जैन संभाग सहित सभी संभागों में प्रदेश भर में विकास के सभी काम चले और खासकर उज्जैन में तो 2028 में सीमस्थ आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है। ऐसे में हमारे विकास के कामों को लेकर के तुरंत उस हफ्ते की प्लान बनाने के लिए कहा है और जो हमारे चलने वाले काम है, जो पूर्ववर्ती सरकार मानी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मजबूत थे, वो सारे कामों की गति बने। उज्जैन के विकास को लेकर के हम सबकी इच्छा है कि उज्जैन के बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन एक तरह से माननीय मोदी जी के शुभारंभ करने के बाद ही एक अलग प्रकार के स्थिति में आया है। इसलिए मैंने आज भी इसकी संख्या की जानकारी निकाली तो लगातार हमारे उज्जैन में संख्या अत्यधिक बढ़ी है। स्वाभाविक रूप से उनके लिए सारे प्रबंधन हो जाए, आने जाने के मार्ग ठीक हो जाए। बिलासपुर की कोतवाली पुलिस ने सरे रहा गुंडागर्दी और मारपीट करने वाले 8 युवकों को गिरफ्तार।